हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आफ्टर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, पबजी मोबाइल इंडिया से कुछ ही दिन पहले बैंड हो गया था 118 एप्लीकेशन के साथ में, और बहुत सारे चाइनीज मोस्टली जो चाइनीज एप्लीकेशन वगैरह उसके साथ में बैंड हुए थे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि पबजी मोबाइल जो है इंडिया में वापिस आ सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स है, बहुत सारे लोगों का करियर चल रहा, बहुत सारे यहाँ पर पबजी को लेके इमोशन बहुत सारे लोगों के जुड़े हुए। पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आ चुका है, क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने कहा है और इंडिया में ये कैसे आपको देखने को मिल सकता है, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं, जो पबजी कॉर्पोरेशन ऑफिशियल जो उसका स्टेटमेंट आ चुका है, और यहाँ पर सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि पबजी बैंड हुआ है, तो मतलब उन बहुत सारे फैंस वगैरह को नाराज वगैरह थे। और उसके साथ ही में यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बेसिकली बहुत बड़ा मार्केट ही है, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर पबजी खेलते थे। साथ ही में उन्होंने कहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और सारी चीज़ों के बारे में और भी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। साथ ही में एक और यहाँ पर उन्होंने चीज़ कहा है कि जो जी मोबाइल का जो टेंसन के साथ में पार्टनरशिप थी, टेंसन आपको बता दूं बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पर चाइना की, और वो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी मतलब ऑनलाइन वाली कंपनी है, तो उसके साथ में पार्टनरशिप है पबजी मोबाइल की। पबजी पीसी तो बेसिकली साउथ कोरियन गेम है, और पबजी मोबाइल भी साउथ कोरियन ही गेम है, लेकिन उसमें कुछ आप बोल सकते हो स्टेक वगैरह यहाँ पर टेंसन के साथ में। तो उनका यहाँ पर अभी क्लियर यहाँ पर कहना है कि जो पबजी मोबाइल है इंडिया के लिए स्पेशली टेंसन के साथ में पार्टनरशिप वो लोग कम कर रहे हैं, और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पबजी कॉर्पोरेशन के अंदर, मतलब जो सारी चीजों को जो हैंडल करेगा वो पबजी कॉर्पोरेशन करेगा, टेंशन नहीं करेगा। टेंशन का पत्ता साफ टोटली यहां पर इंडिया से वो लोग करने वाले हैं। ग्लोबली आपको ये टेंशन और पबजी पार्टनरशिप में रहेंगे पबजी मोबाइल के लिए, लेकिन जस्ट फॉर इंडिया जो रीजन की वजह से बैंड वगैरह हुआ है चाइनीज को लेके, तो उसके लिए यहां पर जो चाइनीज कंपनी को ये उठा के बाहर फेंक रहे, और ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी गेम की यहां पर पबजी कॉर्पोरेशन मतलब पबजी मोबाइल पबजी पीसी सारे गेम जो है टोटली 100% जो है आपको साउथ कोरियन के यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चाइनीज का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, और ये और भी यहां पर तारीफ वगैरह कर रहे, सारी चीजें कर रहे। तो अगर टेंशन हट जाता है, और तो बेसिकली यहां पर PUBG PC जैसा कि साउथ कोरियन गेम है, वैसे ही PUBG मोबाइल भी साउथ कोरियन गेम हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि भाई इसके ऊपर बैन हटाना है नहीं हटाना है। मेरे हिसाब से अगर मैं मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं, अगर टेंशन को सीरियसली अगर ये टोटली हटा देते और ये साउथ कोरियन गेम बन जाता है, तो जैसे कि साउथ कोरियन बाकी के गेम इंडिया में बहुत सारे चल रहे, मेरे हिसाब से जी मोबाइल भी यहां पर आ जाना चाहिए। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा, और अगर टेंशन मतलब चाइनीज कंपनी का पूरे शेयर्स और सारी पार्टनरशिप वगैरह हट जाती है, ये साउथ कोरियन मतलब पबजी कॉर्पोरेशन के अंदर सारी चीजें देखी जाएगी, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन पे यहाँ पर जो पबजी मोबाइल गेम है वो इंडिया में वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या पबजी खेलते हो नहीं खेलते हो, इसके ऊपर आपके क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है? टेंशन नहीं यार, पबजी मोबाइल के जो ऑफिशियल यहाँ पर स्टेटमेंट है उसको लेके जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है उससे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।